मेरा नाम चित्रम जांगिड़। देखो यार, आपको भी एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही परेशान करती होगी, जो कि इसके हॉर्न से रिलेटेड है। जो कि यार इसको, यार हॉर्न को अपन ज़्यादा प्रेस करते हैं इसके बटन को, जैसे कि यार अभी यार फिजिकल की तो पता नहीं कहाँ रखी हुई है अपनी मेरी रिमोट की, तो अभी इससे काम चलाते हैं। देखो जैसे कि यार अपन तभी अपना काम करता है हॉर्न का, ये वाला देखो हैंडल पर। तो अपन जैसे कि बात करें तो देखो आसानी से, देखो अभी मैं नॉर्मली काम कर रहा है। देखो अभी ये, अभी कभी कभार इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करने पर ही ये काम करता है। जैसे कि अपन देखो अभी इसको थोड़ा, अभी खोलते कैसे इसको और कैसे वर्क करता है अभी देखो मैं बताऊंगा आपको। और इसके अंदर देखो यार इतने बहुत ज़्यादा तो फीचर देखने के लिए नहीं मिलते इसके अंदर अपने, बेसिकली देखो ना ही तो इसके अंदर एयरबैग है ना ही और कुछ। तो अपन इसको सबसे पहले आसानी से खोलूंगा। देखो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊँ तो आपको इसको सबसे पहले आसानी से खोलेंगे, जो कि यार आसानी से खींचना है ऊपर की तरफ, जिससे कि आसानी से खुल जाता है। अभी आपको खोल के बताता हूँ, देखो ज़्यादा जोर नहीं लगाना है अपना, अपने को आसानी से ऊपर की तरफ खींचना है, हल्का सा खुल जाएगा ऐसे जैसे। देखो ये देखो खुल गया। इसके अंदर देखो जनरली देखो कई ऐसे कोई रीज़न है नहीं, देखो इसके देखो ये देखो ऐसे कैसे खुल के बाहर आ जाता है। अब इसी के अंदर ये क्या है, प्रेस करने पर जो वर्क करता है ना, देखो ये करता है वर्क मेनली ये वाला। तो आप बेसिकली इसको बताऊँ कैसे वर्क करता है। देखो ये इसके अंदर आप दबाओगे ना इसको, ये वाली पत्ती है ऊपर वाली, तो इसके नीचे से देखो कॉपर की पत्तियाँ लग रही है देखो नीचे की तरफ देखो। अब जैसे आप इसको प्रेस करोगे ना नीचे की तरफ, देखना भी मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखना भी वो नीचे की तरफ टच हो जाएगी, इससे जिससे क्या है हॉर्न वर्क करने लग जाता है। अभी ये इसको देखो, अभी ज़्यादातर बताऊँ कैसे आसानी से टच नहीं होती इसको, थोड़ा सा या तो ढील या टाइट करके देखना आपके किस प्रकार से सेट हो जाता है ये, वो आपके ऊपर है। देखो या तो इसको आप थोड़ा सा ढीला कर लेना शुरू में, जिससे क्या है इसके अंदर थोड़ी चाल बन जाए दबाने के लिए। अब इसके अंदर पूरा अपन प्रेस कर देते तो आसानी से दब भी नहीं पाता और आराम से ऊपर भी नहीं आ पाता, फिर ये वापस स्प्रिंग की तरह काम करता है ये भी इसके अंदर बताऊँ तो आपको। तो आप इसको देखो, अभी इसको थोड़ा सा ढीला करते हैं देखो अपन, फिर वापस ट्राई कर देंगे, वो तो अपने हाथ के, अपने हाथ में ही है। मैं इसको थोड़ा ढीला करके बताता हूँ फिर आपको। तो सबसे पहले अपन इसको देखा टाइट करके देखते हैं देखिए क्या होता है। देखो मेरी ऑलमोस्ट टाइट है, बिल्कुल भी टाइट नहीं हो पा रही है, थोड़ा ढीला ही हो जाएगा बट इसको खोलते हैं देखिए ये वाला थोड़ा ढीला हो तो क्या पता। मैं थोड़ा, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ये सभी टाइट है देखो यार। मैं तो थोड़ा ढीला कर दिया अभी एक को, तो इसको भी ढीला करके देखता हूँ। तो मैं इनको सबको ढीला कर लिया देखो, अभी तीन इसके अंदर पेच लगे हुए थे देखो, इनको स्क्रू को थोड़ा ढीला कर लेना है, जिससे क्या है इसके अंदर थोड़ी चाल बन जाए, यानी कि मूवमेंट हो जाए इन दोनों के बीच में। तो यार इसके अंदर अपने को देखो नॉर्मली दबाने के अंदर भी आसानी होती है, और ज़्यादा वो टाइट हो जाता है तो उसके अंदर यार चिपक जाता है, फिर आसानी से प्रेस भी नहीं हो पाता, इससे कि क्या है हॉर्न बज नहीं पाता, करंट फ्लो नहीं हो पाता इसमें। अब देखो ये आसानी से बिल्कुल क्लियर हो गया है बिल्कुल, अभी इसको अपन लगा देंगे सेपरेटली वैसे की वैसे। भाई अभी चेक करते देखो, सबसे पहले तो चेक करते थे काम भी कर रहा है या नहीं थोड़ा, या फिर अपने को थोड़ा और चेंजेस करना पड़ेगा इसके अंदर। तो अभी बात करें ना तो देखो चेंज करते देखो इसके अंदर थोड़ा सा, अब इसको वापस कपलर टू कपलर वापस लगा देते हैं इन दोनों वायर को। पीला वाला तो लगेगा इसके अंदर, पीला वाला तो लगेगा इसके, देखो मैं बताऊँ आपको इसके अंदर लगेगा पीला वाला का, और ब्लैक वाला लगेगा इसके अंदर, और ये वाला ये निकल गया ना जो यहाँ से निकला, इसको वापस इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं अपन पहले की तरह ही। और अगली नेक्स्ट वीडियो अपनी मैं इसको क्लीन करूँगा, अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को उसके रिलेटेड आएगी, और तो यार अपना ऑल सेट है काम। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ अभी, अभी मैं इसको हॉर्न को एज इट इज़ वापस कपलर टू कपलर वापस लगा दिया, अभी आसानी से वर्क कर पा रहा है, पहले तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था भाई, कर रहा था पर यार कभी कभी देखो जब भी अपनी गाड़ी चालू हो जाती है ना तभी ये वर्क करना बंद कर देता था पहले, और वर्क भी करने लग जाता था। मैंने इसकी यार कई वीडियो डाल भी रखी है परेशानी करने के लिए, इतने परेशान कर दिया था मेरे को क्या ही बताऊँ, इतना इरीटेट कर दिया था, या आपको भी काफ़ी इरीटेट करता होगा। बट यार अभी इसको वापस कपलर टू कपलर लगा देना है हमें, और अपन बात करें ना तो वापस इसको देखना एज इट इज़ ये तीन छेद है, अब इसके अंदर तीन पॉइंट दे रखे हैं देखो ये वाले ऐसे वाले,
इनको ऐसे कैसे इनके अंदर डालना है और अपने को एक बार चेक कर लेना है। अभी पहले से यार काफी ऊपर हो गया देखो, मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा यार ये। हाँ यार वो क्या है, वो लगा नहीं था ठीक तरीके से। अभी देखो ये एज इट इज पहले की तरह अभी पहले से काफी बेटर वर्क कर रहा है। अभी पहले से अभी बताऊँ तो आपको, आपको बेसिकली बताऊँ तो यार इसके अंदर देखो ज़्यादातर ये रीज़न यही रहता है जैसे कि अभी इसके अंदर बिल्कुल लोल ओवर टाइट हो रखा था, टाइट होने देखो पहले तो वो अपनी जगह सही था, बट यार जैसे जैसे अपनी गाड़ी पुरानी होती जाती है ना तो यार इसके थोड़े से यार जो जो एलिमेंट रहते हैं ना वो भी यार थोड़े पुराने हो ही जाते हैं। देखो गाड़ी के साथ तो सारी चीज़ें पुरानी होती जाती है, बट यार अपने को इसके अंदर देखो ये वाला नहीं है क्या, ये वाला मैं बताऊँ आपको वापस कपलर टू कपलर लगा देंगे वापस, अब तो सही हो ही गया वैसे तो क्या ही है इसके अंदर। ये इसके अंदर क्या है, ये वाले है ना जैसे ज़्यादा दबाने से क्या है पत्तियाँ फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है मतलब, तो इससे क्या है इसको वापस ढीला कर देना थोड़ा, जब पत्तियों को वापस पहले की तरह फोल्ड कर दे तो काफ़ी पहले से बेटर हो जाता है। जैसे कि यार इसके अंदर देखो काफ़ी फ़र्क देखने के लिए मिल जाता है देखो यार इसके अंदर, तभी मैं बताऊँ तो यार इसको आप थोड़ा ढीला कर दें तो वही काफ़ी बेटर रहता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्पेस बन जाता है, जिससे क्या है आसानी से पहले से काफ़ी सही चलने लग जाती है, आसानी से वर्क करने लग जाती है पहले की तरह ही। या फिर इसको आप थोड़ा सा मोड़ लेना पति को, इससे भी क्या है काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है देखो अपने गाड़ी के अंदर। और मैं बताऊं तो देखो आपको इसके अंदर भी देखो आपको एक तो ये चीज़ इसको साफ़ करके रखनी है, इसको भी साफ़ कर देना है, क्या है इसके अंदर यार करंट फ्लो रहता है जो कि अपना बैटरी करंट रहता है ना जो कि इसके अंदर अर्थ रहता है इसके अंदर, इसी की वजह से रन हो पाती है देखो मेन जनरली तो यही है जो कि इससे कनेक्टेड है देखो ये वाला देखो इससे कनेक्टेड है। अभी इसके अंदर से क्या है ये हो जा रहा है देखो ये वायर जो कि ब्लैक वाला जॉइंट होता है इससे अर्थ से, और ये प्लस का है ये वाला, इसके अंदर देखो यही है अर्थ के अंदर देखो ये है, इसको प्लेट को भी आपको साफ़ करके रखना है क्योंकि यार इसके अंदर देखो ऑयल ग्रीसिंग लगी हुई रहती है जो कि हैंडल है अपना ये, इसके अंदर ऑयल ग्रीसिंग लगी हुई रहती है जो कि आप गाड़ी को साफ करते हो या फिर धूल मिट्टी वो आके जम जाती है, फिर यार इसके अंदर अर्थ कनेक्ट नहीं हो पाता आसानी से। फिर अपन बात करें ना तो फिर उसको भी एक बार साफ़ कर लेना, आपकी गाड़ी सही हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर आपको ये मैं बताया ना आपको कि इसके तीन पेज दे रखे हैं 1 2 3, इनको साफ कह रहे यार इनको थोड़े से लूज़ कर देना है और काफ़ी बेटर हो जाएगी अपनी गाड़ी पहले से। देखो इसके अंदर जनरली देखो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम इसके अर्थ से रिलेटेड ही होती है जो कि यार इसको साफ़ करने से बिल्कुल सही हो जाती है, पहले से तो काफ़ी बेटर चलने लग जाता है, बट यार इसके अंदर देखो ये वाली प्रॉब्लम भी फेस हो सकती है अपने को, इसको अपने को थोड़ा ढीला कर देना है और उससे क्या है काफ़ी फ़र्क पड़ता है देखो अपनी गाड़ी के अंदर। तभी मैं वापस देखो वापस लगा देता हूँ इसको, ब्लैक वाला तो इसके अंदर लगेगा जो कि यहाँ पे लगे इंसर्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, और ये इसके बॉडी प्लस पॉइंट है इसका अपनी गाड़ी का जो कि यार इसको इंसर्ट कर देता है अभी। इसको भी ध्यान से इंसर्ट करना क्योंकि इसके अंदर यार क्या है प्लग तो लग नहीं पाता, फिर वो ऐसे कैसे लग जाता है। तभी मैं अभी रिसेट हो गया अपने ठीक तरीके से, तभी मैं वापस इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अभी ये पहले की तरह ही इंस्टॉल हो गया और उससे काफ़ी बेटर हो गया भाई ये। अभी मैं इसको गाड़ी को ऑन करके भी बता देता हूँ, ऑन तो क्या ही होगी मेरे पास, क्या है इसकी रिमोट की नहीं है उसकी वजह से ऑन भी नहीं हो पाएगी, बट मैं अभी इसको ऑन करके बता देता हूँ आपको, होएगी तो नहीं, मेरे को 99% है जो कि वो अपनी गाड़ी ऑन नहीं होगी इससे अभी इसकी से यार अपनी। देखो रिमोट की तो यार अपनी पता ही नहीं यार कहाँ रखी है, अभी मिल नहीं पाई मेरे को, बट यार मैं इसको अभी ऑन करके देखता हूँ। देखो वही यार ऑन, अभी यार पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर यार, पता नहीं ऑन होके जबकि देखिए वापस बंद हो गई। अभी मैं बताऊँ तो आपको यार देखो गाड़ी हल्की सी आगे गई थी, टर्न करा था बस इसका इंजन और कुछ भी नहीं है भाई। फिर यार इसके अंदर पता नहीं क्या ही हुआ, अभी देखो अभी थोड़ा सा इंजन किया अभी थोड़ी सी आगे की तरफ गया था, फिर अचानक से यार क्या ही हो गया इसके अंदर, बस अपना क्या है यार अपना तो ये सही हो गया देखो मैंने तो ये है। आज के लिए तो बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ। बस यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार।